पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देश आर्थिक तंगी से तो गुजर ही रहा है, साथ ही यहाँ सियासी संग्राम भी लंबे समय से जारी है। इसी बीच मुल्क की मशहूर फैशन डिजाइनर खदीजा शाह चर्चा में आ गई। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने 9 मई को लाहौर के कोर कमांडर हाउस यानी जिन्ना हाउस पर हमला कर दिया था। खदीजा शाह को जिन्ना हाउस कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खदीजा के इशारे पर ही इमरान खान के समर्थकों ने जिन्ना हाउस को तबाह किया, जिसके बाद पाकिस्तान पंजाब राज्य की पुलिस ने खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कहा है कि लाहौर कोर कमांडर हाउस में हमले के मुख्य संदिग्ध खदीजा शाह को हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि जिन्ना हाउस कांड से शहबाज सरकार भी इतना आग बबूला हो गई कि विद्रोहियों को आतंकी करार दे। खदीजा शाह पीटीआई की कट्टर समर्थक मानी जाती है। जानकारी के मुताबिक खदीजा शाह पूर्व आर्मी चीफ रिटायर ख्वाजा आसिफ जंजुआ की पोती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें वो बोल रही थी कि पाकिस्तान आर्मी उनके परिवार को परेशान कर रही है। बता दें कि खदीजा शाह का नाम पाकिस्तान आर्मी की हिट लिस्ट में टॉप पर है। इससे पहले खदीजा ने कहा था कि वे खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुलिस द्वारा खदीजा के साथ साथ उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि 9 मई को पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।